Hey, what's up guys? तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्कैरी प्लस हॉरर होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे गेम को खेलने वाला हूँ जिस गेम का नाम है ट्रेवल नाइट एट स्कूल। एंड इस गेम को इससे पहले मैंने कभी नहीं खेला, फर्स्ट टाइम खेलने वाला हूँ। एंड गाइज, मैं आप सबको इस गेम का थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग किसी गेम को खेलते हैं एंड उसका अगर हम लोगों को स्टोरी पता नहीं होता तो गेम खेलने में मज़ा नहीं लगता। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ कि एक स्कूल है हम लोगों के शहर में, एंड वहाँ पर हम लोग बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं। एंड मेरा एक दोस्त है एंड उसका एक डायरी खो जाता है उस स्कूल में। खोता नहीं है, मतलब वहाँ का जो एक टीचर है वो ले लेता है उस डायरी को। तो अभी जो मेरा मिशन है उस स्कूल में हमें जाना है, क्योंकि हम लोग जितने भी दोस्त हैं किसी के पास बाईसाइकिल नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक बाईसाइकिल है। इसीलिए मेरा जो दोस्त है उसने मुझसे कहा है कि मैं अगर उस स्कूल में जाऊँ और जाके अगर वो डायरी उसको ला देता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन मेरा जो दोस्त है उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं नाइट के टाइम में उस स्कूल के अंदर में जाता हूँ तो वहाँ पे एक बहुत ही मॉन्स्टर खतरनाक टीचर रहती है एंड हो सकता है कि वह मुझे मार दे, इसीलिए मुझे रात में जाने के लिए मना किया गया। लेकिन गाइस, आज हम लोग जाएंगे और उस डायरी को लाएंगे और अपने दोस्त को देंगे। तो चलिए जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं, गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइज, तो फिलहाल मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है और मैं आ चुका हूँ उस स्कूल में। और फिलहाल अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है, अभी स्कूल छुट्टी हो चुका है। एंड यहाँ पे मैंने अपने बाईसाइकिल को रख दिया, इधर कुर्सी टूटा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे मैंने अपने बाईसाइकिल को रख दिया है और अभी हम लोग जाएंगे इस स्कूल के अंदर में। लेकिन यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो हमें सबसे पहले की को ढूंढना होगा एंड उसके बाद ही हम लोग इस स्कूल के अंदर में जा पाएंगे। तो शायद हम लोगों को की यहाँ से मिल सकता है, ओके, कि हम लोगों को मिल चुका है। अभी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, तो इसको जल्दी से ओपन करता हूँ, ओके। इसको मैंने ओपन कर दिया है और अभी हम लोगों को डायरी को ढूंढना है। तो देखते हैं डायरी हमें कहाँ से मिलने वाला है। बाकी मैं आ चुका हूँ उस स्कूल के अंदर में और अभी जो वो टीचर है शायद से यहीं पर कहीं पर होगी। बाकी जो भी हो, अभी हम लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरे स्कूल को एक्सप्लोर करना होगा। ओके, वो टीचर यहाँ पर आ चुकी है। बाकी यहाँ से अभी जल्दी से मुझे निकलना होगा एंड हो सकता है ये टीचर हमें, ओके, उसके हाथ में, ओके, वो डायरी उसके हाथ में है शायद से, उसने अपने हाथ में पकड़ के उस डायरी को। बाकी जो भी हो, किस तरह से उसको हम लोग ले पाएंगे उसके लिए हम लोगों को प्लानिंग करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शायद से मैं छिप सकता हूँ क्या? ओके, यहाँ पे सीक्रेट दरवाज़ा था एंड मैं अभी क्लासरूम में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ओके, की कार्ड, तो इससे शायद से मैं किसी डोर को अनलॉक कर सकता हूँ, मुझे इतना लगता है। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो अभी मैं इस तरफ चलता हूँ, ओके, शायद से यहाँ पे वो टीचर नहीं है तो मैं सीधे ऊपर चलता हूँ, है ना, क्योंकि वो टीचर बिल्कुल नीचे फ्लोर में थी। तो फिलहाल अभी मैं ऊपर फ्लोर में चलता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लोर अच्छी तरीके से देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ हर जगह। क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूँ? ओके, इसको मैंने ओपन कर दिया, इसको भी शायद से ओपन कर सकता हूँ मैं, ओके, इसको भी मैंने कर दिया। और इधर एक दरवाज़ा है, इसको भी शायद मैं ओपन कर सकता हूँ, ओके, इसको भी मैंने कर दिया ओपन। अभी देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ से मिलने वाला है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, इधर देख लेते हैं, शायद यहाँ से हमें कुछ मिल जाए। ओके, यहाँ पे मुझे की मिल चुका है जो कि है ब्लू की, ओके। तो इस ब्लू की से शायद हम लोग किसी दरवाजे को खोल सकते हैं। तो शायद यहाँ पे वो टीचर आ चुकी है, ओके, यहाँ पे वो टीचर आ चुकी है। तो फिलहाल यहाँ से मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा एंड मैंने उसको कन्फ्यूज़ कर दिया है किसी तरह से एंड यहाँ से मैं निकलता हूँ, ओके। तो मैं अभी निकल चुका हूँ लेकिन वो टीचर मेरे पीछे ही पड़ गई है। तो फिलहाल इस दरवाजे को मैं बंद कर देता हूँ, ओके गाइस। तो शायद अभी मैं सेफ हूँ एंड मैंने दरवाज़ा को बंद कर दिया है और शायद वो जो टीचर है इधर नहीं आ सकती है। तो अभी फिलहाल देखता हूँ, ओके, वो जा चुकी है यहाँ से, तो अभी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और यहाँ पे मुझे जो एक ब्लू की मिला था उसको मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, ओके। मैंने ब्लू की को यहाँ पे ले लिया एंड अभी इस की के मदद से, ओके, वो टीचर फिर से यहाँ पे आ चुकी है, उसको फिर से हमें कन्फ्यूज़ करना होगा। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है तो जिसके कारण हम लोग उसको घुमा के यहाँ से निकल सकता हूँ मैं, ओके। तो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, सीधे यहाँ से नीचे उतरते हैं क्योंकि ऊपर रहना अब सेफ नहीं है, वो जो टीचर है ऊपर भी जा चुकी थी। तो फिलहाल यहाँ से मैं भी नीचे आ चुका हूँ और शायद से ये जो हमें की मिला है इस की के थ्रू हम लोग किसी रूम को ओपन कर सकते हैं या किसी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। देखते, ओ, इसको शायद कर सकते हैं क्या? ओके, इसको मैंने कर दिया। यहाँ से मुझे एक फुटबॉल मिल चुका है, तो क्या हमें फुटबॉल खेलना है? पता नहीं, इस फुटबॉल से शायद मैं उस टीचर को मार सकता हूँ, देखते हैं इससे क्या होगा। तो मैंने फिलहाल इस जो फुटबॉल है उसको अपने हाथ में रख लिया है एंड अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर। तो अभी डरने की बात है नहीं क्योंकि मेरे पास आ चुका है फुटबॉल और इससे मैं किसी को फेंक के मार सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, ओके, इसको मैंने मार दिया। वहाँ से मुझे मिल चुका है एक स्क्रू ड्राइवर जो कि फ़ैन के ऊपर में लटक रहा था, तो फिलहाल वो मिल चुका है एंड वो जो टीचर है उसको पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई आ चुका है। मैं अभी बिल्कुल यहाँ पे छिपने वाला हूँ, ओके गाइस। तो मैं आ चुका हूँ बिल्कुल अभी नीचे, यहाँ पे एक वेंट है, ओके, इसको भी मैंने ओपन कर दिया और अभी मैं इस वेंट के थ्रू कहीं दूसरे सीक्रेट जगह पर निकलने वाला हूँ। यहाँ पर शायद से एक न्यूज़ है, ओके, तो यहाँ पर एक न्यूज़ है लेकिन बहुत बड़ा है तो मैं इसको बाद में पढ़ूँगा, छोड़ो। एंड यहाँ पर मुझे मिल चुका है की 17, शायद से ये
शायद से किसी रूम का मतलब नंबर है 17 रूम को हमें ढूंढना है, उसको ओपन करना। ओके गाइस, तो इसको मैंने ओपन कर लिया, यही वाला था। एंड अभी देखते हैं, ओके वो टीचर यहाँ पे आ चुकी है, तो अभी मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है। इसको सबसे पहले ओपन कर दें, तो ओके इसको मैंने ओपन कर दिया है और अभी मैं बाहर निकलने वाला हूँ। ओके तो मैं बाहर निकल चुका हूँ क्योंकि वो जो टीचर है मेरे पीछे ही पड़ चुकी थी। ओके तो अभी मैं स्कूल से बाहर हूँ और वो जो टीचर है बिल्कुल अंदर में घूम रही है, शायद से वो बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल बाहर में सेफ हूँ एंड अभी उसको जाने देते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस स्कूल के अंदर में जाएंगे। ओके वो जा चुकी है, मैं इस स्कूल के अंदर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ मिला था। ओके डोर हैंडल हमें मिल चुका है, मतलब किसी डोर में ये लगने वाला है, यहाँ पे लगेगा। ओके गाइज यहाँ पे लगने वाला था, जिसको मैंने ओपन कर दिया, वो टीचर को पता चल चुका है एंड अभी वो टीचर यहाँ पे आ चुकी है। तो फिलहाल यहाँ से मुझे फिर से बाहर निकलना होगा क्योंकि बाहर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं सेफ हूँ एंड अगर इस स्कूल के अंदर में मैं रहूँगा तो ये टीचर ये मुझे मारेगी। तो फिलहाल वो जा चुकी है। ओके तो अभी हम लोग उस रूम के अंदर में जाएंगे। ओके गाइस तो मैं इस रूम के अंदर में आ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखते इधर भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ओके हमें यहाँ पे एक फ्लायर्स मिल चुका है एंड इस फ्लायर की मदद से हम लोग किसी चीज़ को काट सकते हैं। ओके उसको दिख चुका है कि मैं यहाँ पे हूँ, बाकी वो इधर ही आ रही है। तो फिलहाल अभी इसको हमें कन्फ्यूज़ करना है। ओके तो यहाँ से मैं कन्फ्यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे शायद ये लाइब्रेरी है। ओके तो यहाँ से मैं जल्दी से निकलता हूँ बाहर और ये जो प्लायर्स है इससे मैं किसी वायर को भी काट सकता हूँ, किसी चेन को भी काट सकता हूँ, इसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो फिलहाल अभी सेक्रेट रास्ते से होते हुए मैं यहाँ आ चुका हूँ और शायद ओके इसको काटना है हमें, तो उसको अभी काटेंगे। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है वो टीचर इधर से आ रही है क्या, शायद यहाँ पे मैं छिप जाता हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल सेफ हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं शायद से, ओके वो आ चुकी है यहाँ पे। तो अभी मैं इस वेंट में छिप गया हूँ, शायद वो इस वेंट के अंदर में नहीं आ पाएगी, पता नहीं क्या पता इधर से भी वो आ गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से अभी मैं इधर जाता हूँ, ठीक है, वो शायद इधर ही आ रही है, वो जा चुकी है। तो अभी फ़िलहाल वो जा चुकी है, तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ। ओके तो मैं यहाँ से निकल चुका, ओके फिर से वो आ चुकी है, मतलब हमें यहाँ से अभी निकलना ही होगा, अब कोई उपाय है ही नहीं। उसको सबसे पहले अच्छी तरीके से जाने देते हैं एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, शायद अभी वो यहाँ से जा चुकी है। ओके वो यहाँ से जा चुकी है, तो अभी मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। तो देखता हूँ, मेरे पास तो प्लायर है, तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्या पता फिर से वो आ जाए। तो अभी मैं ओके उस हाथ से अभी जा चुकी है यहाँ से, तो अभी मैं इसको काटता हूँ जल्दी से। ओके यहाँ पे कॉर्ड लगने वाला जो कि मुझे मिला था, मैंने यहाँ पे डाल दिया है एंड ओके ये ओपन हो चुका है। जैसे ये ओपन हुआ यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। ओके गाइस तो मुझे वो डायरी मिल चुका है, मतलब फाइनली हम लोगों को वो डायरी मिल चुका है एंड अभी हम लोग यहाँ से एस्केप करेंगे। ओके ठीक है, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का मुझे ज़रूरत था वो हमें मिल चुका है, मेरा जो दोस्त का डायरी है वो मुझे मिल चुका है, अभी इसको ले जाकर अपने दोस्त को दे देंगे शायद से। ओके वो यहाँ पे आ चुकी है एंड इसके हाथ में भी एक डायरी है, पता नहीं शायद से यही वाला वो डायरी है जो मेरा दोस्त का है, बट जो भी हो अभी हम लोगों को यहाँ से जल्दी से एस्केप करना है। ओके गाइस तो अभी हम लोग यहाँ से निकल नहीं वाले। ओके तो हम लोग स्कूल से बाहर निकल चुके हैं एंड मेरा जो बाइसाइकिल है इसको मैं लेके यहाँ से जल्द से एस्केप करता हूँ। ओके गाइस तो अभी हम लोगों को डायरी भी मिल चुका है और हम लोग साइकिल में बैठ के उस स्कूल से अभी निकल चुके हैं। तो फाइनली हम लोगों को वो डायरी मिल गया एंड हम लोग यहाँ से एस्केप कर चुके हैं। वो जो टीचर थी वो खड़ी होकर देख रही है कि पता नहीं कैसे ये डायरी को लेके यहाँ से चल गया, बट जो भी हम लोग यहाँ से एस्केप कर चुके हैं। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।